मैं डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव अव्यक्त सर के इस हेल्थ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको आयुर्वेद के संदर्भ में कुछ बातें बताऊँगा। आयुर्वेद का प्रयोजन मतलब आयुर्वेद का मोटिव क्या है, इस विषय से ही हम बात को शुरू करेंगे। आयुर्वेद का प्रयोजन है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम च। मतलब आयुर्वेद का पहला मोटिव, पहला उद्देश्य स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। दूसरा उद्देश्य बनता है कि अगर किसी व्यक्ति को रोग हो जाए तब उसके रोग का प्रशमन करना या रोग की चिकित्सा करना। अर्थात आयुर्वेद की पहला टारगेट है कि जो स्वस्थ व्यक्ति है वो स्वस्थ रहे। आयुर्वेद में एक और कहावत है, यदि आप पथ्य का पालन कर रहे हैं तो आपको किसी औषधि की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यदि आप पथ्य का पालन नहीं कर रहे हैं तब भी आपको किसी औषधि की ज़रूरत नहीं है। एकदम स्पष्ट है कि अगर आप पथ्य का पालन करते हैं स्वाभाविक सी बात है कि बीमार होने की संभावनाएं कम है, लेकिन यदि आप पथ्य का पालन नहीं करते हैं तो अगर आप बीमार हैं और औषधि भी ले रहे हैं तब भी आप जल्दी ठीक नहीं होंगे या स्वास्थ्य लाभ आपको जल्दी नहीं मिलेगा, ऐसा आचार्यों का मानना रहा है और मुझे लगता है ये बात ठीक है। तो आज मैं आपको पथ्य के बारे में ही कुछ बातें बताने वाला हूँ, खासकर कि भोजन के संदर्भ में। पथ्य का मतलब होता है वह रास्ता जिसमें हमें चलना चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आहार एक विहार। आहार मतलब भोजन, विहार मतलब दिनचर्या कैसी होनी चाहिए, वो सारी बातें। आज हम आहार के बारे में कुछ बात करेंगे। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जिस पर बहुत कम बात होती है कि एक्चुअली हमें खाना कितना चाहिए। तो आचार्य चरक ने बहुत अच्छी परिभाषा दी है इसकी। उन्होंने कहा है कि एक काल्पनिक रूप से हमें अपने आमाशय के, त्रिविध कुक्षी कहते हैं उसको, हमें अपने आमाशय के तीन भाग करने चाहिए, जिसमें एक भाग सॉलिड, एक भाग लिक्विड। सॉलिड जैसे चावल रोटी, जो सॉलिड फूड लेते हैं हम, एक भाग लिक्विड जैसे जूस है, दालें हैं, अन्य सारी चीज़ें, और एक भाग खाली छोड़ना चाहिए। मतलब पूरा भरपेट भोजन नहीं करना चाहिए, थोड़ा भूख से कम भोजन करना चाहिए, इससे हमारा पाचन एकदम ठीक रहता है। दूसरी चीज़ उन्होंने बोला है षड रसों का पान। मतलब आयुर्वेद मानता है कि भोजन में 6 रस होते हैं, मधुरम लवण कटु तिक्त कषाय, मीठा खट्टा खारा कषाय कशैला तीखा और कड़वा। तो इन सभी रसों का पान करना चाहिए। सभी रस शरीर के पोषण के लिए अति आवश्यक होते हैं। तो इसको हम आज के परिप्रेक्ष्य में इस तरह से देख सकते हैं कि विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स, इन सारी चीज़ों का एक कॉम्बिनेशन, एक हेल्दी कॉम्बिनेशन, सटीक कॉम्बिनेशन हमको लेना चाहिए। किसी भी चीज़ की अधिकता या किसी भी चीज़ की कमी हमें बीमारी का कारण बन सकती है। जैसे फैट बहुत कम खाने से भी आपको परेशानियां होती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आधुनिक विज्ञान में शायद ठीक ना बैठे, लेकिन हमारे यहाँ वात रोगों होने का एक बड़ा कारण स्नेह की शरीर में कमी बताया गया है। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पुराने बुजुर्गों को हड्डियों के रोग, संधिवात वगैरह, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये कंपैरेटिवली कम होते थे। क्यों? क्योंकि वो स्नेह की पर्याप्त मात्रा लेते थे। उसका एक दूसरा कारण यह भी है कि वो शारीरिक श्रम भी बहुत करते थे। तो एक संतुलित आहार बहुत ज़रूरी है। तो आहार की मात्रा कितनी होनी चाहिए, एक बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ लघु और गुरु आहार, मतलब भारी और हल्के आहार में अब जब आप अंतर कर रहे हो, जब ये भोजन कर रहे हो, तब भी आपकी मात्रा किस तरह की होनी चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आयुर्वेद कहता है जब आप लघु आहार ले रहे हैं तो भरपेट भोजन कर सकते हैं। लघु आहार मतलब जैसे राजगिरा, मूंग की दाल, खिचड़ी, दलिया, ये सारी चीज़ें ले रहे हैं तो आप भरपेट भोजन कर सकते हैं। लेकिन यदि आप गुरु आहार ले रहे हैं तब आपको जितना सामान्य भोजन कर किया जाता उससे भी कम। गुरु आहार मतलब तला हुआ, बहुत जिस जो पचने में गरिष्ठ हो, जैसे रबड़ी होती है या बहुत डीप फ्राइड चीज़ें होती हैं, ऐसी चीज़ों को आपको आधा ही लेना है, मांसाहार है, यह आपको कभी भी भरपेट नहीं लेना है। यह आपको नुकसान कर सकता है आपके डाइजेशन सिस्टम को और आगे जाकर के पूरे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। तो यह भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, लघु और गुरु को ध्यान में रखकर भी भोजन किया जाता है। अब भोजन का टाइम, वैसे आयुर्वेद में खाने के लिए सिर्फ 2 ही समय कहे गए हैं, प्रातः और शाम, सुबह और शाम। लंच और डिनर का प्रावधान आयुर्वेद में है ही नहीं और हमारे शायद परंपरा में भी नहीं था, लेकिन बदलती हुई दिनचर्या में हमें उसके अनुसार देखना होगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट अच्छा लें, हैवी लें, अच्छे से भोजन करें, भरपेट खाएं, अच्छी तरह खाएं, ब्रेकफास्ट में कोई परेशानी नहीं।
लंच आप हमेशा 3 बजे के पहले ले लें। 3 के बाद लिया हुआ लंच ठीक से उसका पाचन नहीं होता, यह आयुर्वेद मानता है। उसके बाद जो शाम का भोजन है वह सूर्यास्त होने से पहले ले लें। अगर यह संभव नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं होती हैं, तो जितनी जल्दी लें उतना अच्छा। और एक बात ध्यान रखें कि रात जैसे 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 आगे बढ़ती जाए, वैसे 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 अपने भोजन की मात्रा को घटाते जाएं। अगर आप बहुत देर रात भोजन कर रहे हैं तो कोशिश करें जितना हल्का और कम खाएंगे वह बेहतर होगा। कुछ लोगों को नींद की परेशानी होती है, शायद नींद नहीं आती भूखे पेट, तो लिक्विड या जैसे राजगिरे का लड्डू या खिचड़ी या दलिया, ऐसी चीज़ें ले लें। बहुत हैवी डाइट डिनर में नहीं लेनी चाहिए। ये बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स को या पेट की परेशानियों को और अंततः पूरे शरीर को प्रभावित करती है। अब जहाँ पेट की परेशानियों की बात आई है, एक बड़ी सामान्य सी समस्या है गैस, जिससे हम सभी बहुत परेशान होते हैं। इसको फ्लैटुलेंस भी कहते हैं, आयुर्वेद की भाषा में से आत्मान कहते हैं। पेट में भारीपन होना, भरा भरा सा लगना और ठीक से गैस पास ना होना, इस तरह की परेशानियाँ इसमें आती हैं। इसके लिए एक मैं आपको घरेलू योग बता रहा हूँ, घरेलू चिकित्सा बता रहा हूँ, जिस पर सामान्य स्थिति में अगर आपको कोई और परेशानी नहीं, सिर्फ गैस की परेशानी है, इसका उपयोग करेंगे तो काफ़ी लाभ होगा। अजवाइन, धनिया, सौंफ और काला जीरा, ये सभी बराबर मात्रा में लेना है। इनको भूंज करके पीस लेना है। इसमें आवश्यकता अनुसार काला नमक मिला सकते हैं, बहुत ज़्यादा खारा ना हो और बहुत कम भी ना हो, इस तरह से काला नमक मिला सकते हैं। और लगभग जितनी मात्रा इनके लिए, उसकी आधी मात्रा, यानी जितना अजवाइन हींग, ये एक मान लीजिए एक एक चम्मच लिया, तो इसकी आधी मात्रा हींग की लेनी है इस योग को मिला। और हींग सदैव ये ध्यान, हाँ हींग सदैव ये ध्यान रखें कि घी में भुंजा हुआ ही हो, कच्चा हींग उपयोग नहीं किया जाता। कच्चा हींग उपयोग करना वर्जित कहा गया है आयुर्वेद में। तो घी में घृत भर्जित हींगा, हींगू कहते हैं उसको, घी में भुंजा हुआ हींग इन इस योग में मिलाकर रख लें, डब्बे में रख लें किसी सूखी जगह पर, और इसको खाना खाने के बाद या जब भी गैस बने एक चम्मच ले लें, इससे बहुत आराम मिलेगा। पेट से संबंधित एक और समस्या होती है इंडाइजेशन। शादियों का सीज़न चल रहा है, ऐसे मौसम में बाहर खाना या कुछ ऐसी चीज़ों की वजह से इंडाइजेशन होता है। इसमें पेट में दर्द होता है, भारीपन होता है, उल्टी का जी होता है। इस बीमारी का सबसे अच्छा इलाज है गुनगुना पानी। कुछ भी ना खाएं, सिर्फ गुनगुना पानी पिएं जब तक भूख नहीं लगे। परिस्थिति बहुत ख़राब हो, उल्टी का बहुत जी कर रहा हो, तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच धनिया या थोड़ा सा सौंठ का पाउडर डाल करके उसको उबाल लें, और सिर्फ उबाल ही आने दें, एक ही उबाल लें, उसको छान करके इस पानी को पिएं। आप इस परिस्थिति से जल्दी जल्दी उबरेंगे और आपके स्वास्थ्य में जल्दी सुधार होगा। इसके अलावा अगर कभी एक एसिडिटी जैसी परेशानी होती है, तो एसिडिटी के बहुत सारे कारण होते हैं, इसके लिए प्रॉपरली ट्रीटमेंट कराना ज़रूरी है। लेकिन सामान्य तौर पर अगर हो रही एसिडिटी है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से है, तो लौंग चूसना एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। लौंग एसिडिटी में बहुत मदद करता है। लौंग खाने से एसिडिटी कम होती है अगर सामान्य तौर पर एसिडिटी, लेकिन अगर कोई और कारण है तो निश्चित तौर पर डॉक्टर को दिखाएं, क्योंकि एसिडिटी की वजह से एक पेप्टिक अल्सर, ड्यूडिनल अल्सर, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। आयुर्वेद में किस तरह से आगे भोजन होना चाहिए, विहार होना चाहिए, आहार होना चाहिए, इसमें बहुत बड़ा एक विषय है ये, स्वस्थ व्रत का विषय है ये। इसमें मैं कोशिश करूँगा कि आपके सामने ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रखूँ। अभी शायद वीडियो लंबा हो रहा है, तो मैं आज आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आपको वीडियो कैसा लगा, मेरी जानकारी कैसी लगी, कृपया कमेंट बॉक्स पर आकर ज़रूर बताएं। धन्यवाद। स्वस्थ जन समृद्ध राष्ट्र।